Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डाधार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबर, सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस का किया ऐलान। केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। इन गाइडलाइंस में सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, स्कूल, कोचिंग सेंटर आदि के बारे में जानकारी दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर के बाद से कईयों को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी है, हालांकि कुछ विशेष शर्तों का पालन करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में बताया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी। हालांकि सिनेमा हॉल में पहले के दर्शकों की तुलना में आधे दर्शक ही फिल्म का लुत्फ उठा सकेंगे। मंत्रालय ने 50% क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों और कोचिंग को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपनी हिसाब से फैसला कर सकेगी। राज्यों को अपने इस फैसले के दौरान छात्रों के माता पिता की मंजूरी की जरूरत होगी। सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जैसे चल रही थी उसी तरह से चलती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है उन्हें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए गए जाने वाले SOP का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ढाए गए बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे के मामले में CBI की विशेष अदालत ने 30 सितंबर को फैसला सुना दिया है। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 35 आरोपियों को बरी कर दिया। 28 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले में फैसला सुनाने के लिए CBI के विशेष न्यायाधीश SK यादव ने सभी आरोपियों को आज तलब किया था। हालांकि कई आरोपी आज कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। वहीं फैसले को लेकर रामनगरी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अब सड़क के किनारे हड़िया बेचती नहीं दिखेंगी महिलाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब कोई भी महिला सड़क पर हड़िया बेचती नहीं दिखेगी। राज्य सरकार ने ये संकल्प ले लिया है। हड़िया बनाने और बेचने वाली महिलाओं को अब आजीविका से जोड़कर मुख्य धारा में लाया जाएगा। झारखंड मंत्रालय में आजीविका संवर्धन हुनर अभियान ASHA एवं फूलो जानो आशीर्वाद अभियान के शुभारंभ एवं प्लास ब्रांड के अनावरण के मौके पर कल CM ने ये बातें कही। चुनाव आयोग ने दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है। दोनों सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा जबकि 10 नवंबर को मतगणना होगी। मंगलवार को जारी चुनाव कार्यक्रमों के अनुसार बेरमो और दुमका विधानसभा उपचुनाव के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों की 54 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव संपन्न होंगे। बेरमो और दुमका विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 अक्टूबर तक नामांकन वापसी लिए जा सकेंगे। 3 नवंबर को मतदान के बाद 10 नवंबर को मतगणना होगी। झारखंड, बिहार व बंगाल के यात्रियों के लिए 1 अक्टूबर से नहीं खुलेगी ट्रेन। साहिबगंज रेलखंड होकर यात्रियों के लिए 1 अक्टूबर से 2 ट्रेनों का चलाया जाना था। इसकी अधिसूचना रेलवे द्वारा पूर्व में जारी भी की गई थी, लेकिन अब इन दोनों ट्रेनों को जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस और दूसरी ट्रेन मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस का परिचालन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। ट्रेन चलाने के पहले ही डिविजन स्तर पर तैयारी कर ली गई थी। कोरोना संकट में रेलवे द्वारा 1 अक्टूबर से COVID-19 स्पेशल के रूप में 2 ट्रेनों को चलाया जाना था। स्पेशल ट्रेनों में जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस और दूसरी ट्रेन मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस शामिल थे। इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में 20 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिलने का दावा किया गया है। झारखंड के साहिबगंज जिले में राजमहल की पहाड़ियों पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म मिले हैं। इन जीवाश्मों पर जुरासिक काल के पेड़ों की पत्तियां की छाप है। इसके 150 से 200 मिलियन वर्ष पुराने होने की दावा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये जीवाश्म उन पेड़ों के हैं जो कभी शाकाहारी डायनासोर का भोजन रहे होंगे। अब इस इलाके में जुरासिक काल के जंतुओं के जीवाश्म मिलने की संभावनाएं फिर से बढ़ गई हैं। अगर ऐसा हुआ
तो शोधकर्ताओं के लिए उनकी रुचि के लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। राजमहल की पहाड़ियों में भी पहले भी ऐसे जीवाश्म मिल चुके हैं। साहिबगंज के अलावा पाकुड़ और आसपास के दूसरे जिलों में भी ऐसे जीवाश्म मिलते रहे हैं। इस इलाके में पहले मिले जीवाश्मों के अंदर पहले भी ऐसे लिप इम्प्रेशन देखे जा चुके हैं। झारखंड में राशन कार्ड बनाने के लिए अब 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है समय सीमा। अब 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं आप आवेदन। रांची सहित राज्य भर में राज्य खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की जानी है। इसको लेकर विभाग ने 15 सितंबर से 30 सितंबर तक लाभुकों के चयन के लिए आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन इस अवधि में अभी तक अपेक्षित आवेदन प्राप्त नहीं हुए। इसे देखते हुए विभाग ने अब 15 अक्टूबर तक आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।